जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध, राजकुमार बुध, नाजुक से बुध, और कहते हैं ना कि बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रहने वाले बुध प्रवेश कर रहे हैं अपने मित्र के घर में वृष राशि में। वृष राशि के लग्न का या राशि का स्वामी है शुक्र और वो बुध का परम मित्र है। इतने दिनों से बुध बहुत ही अनकंफर्टेबल अवस्था में थे। मीन राशि में नीच के हो गए, मेष राशि में शत्रु के घर में थे। बुध लगन वाले लोगों ने बहुत दुख झेला और जहां जहां का भी बुध कारक था वहां के लोगों ने बहुत दुख झेला उस भावों के कारण। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूं मैं कि बुध अपने मित्र के घर काफी देर रहने वाले हैं। चलिए चर्चा को शुरू करूं। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beautywithastrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। बुध 24 अप्रैल को देर रात वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और बड़ी देर तक ये रहने वाले हैं वहां पर, यानी कि 24 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक। लगभग आप 2 महीने से ज्यादा बुध की खुशियां झेलेंगे, अपने झेलेंगे मतलब एंजॉय करेंगे आप वृष राशि में। और वक्री मार्गी उदय अस्त तो होंगे, वो भी बता रही हूं आपको, लेकिन बधाइयां जी बधाइयां। चलिए बताती हूं आपको, ये भी बता दूं कि 2 जुलाई के बाद फिर मिथुन में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे बुध। तो आपके लिए तो ये टोटल 2.5 से 3 महीने का जो ये पीरियड है, बहुत सारा व्यवसाय करने का, बहुत सारे अपने ऐसे काम करने का जिसमें आपकी वाचा, आपकी भाषा, आपकी वाणी शामिल हो। कंसल्टिंग, काउंसलेशन, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अंक गणित से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, कोई आप काम करते हैं ऐसा जैसे जिसमें वाणिज्य छुपा हुआ है, तो वो सब काम करने वाले नौकरी पेशा ऊंचे ऊंचे औहदों पर जिनको इंक्रीमेंट चाहिए, ऐसे सब लोग खुश हो जाइए, अब बुध की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए हम चर्चा को बढ़ाते हैं और जाने हम कि 24 अप्रैल को वृष राशि में देर रात बुध प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वो 2 जुलाई तक रहेंगे और उसके बाद वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। 10 मई को मतलब 24 अप्रैल के बाद लगभग समझ लीजिए 16 दिन बाद ये वक्री होने वाले हैं और 3 जून को जाकर फिर ये मार्गी होंगे। तो यहाँ पर जब तक बुध वक्री मार्गी रहेंगे तो अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे। वक्री अवस्था में बुध जो है वो पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देंगे, तो वक्री अवस्था में ये मेष के घर का भी असर देंगे तो उतने ज्यादा फलदायी नहीं होंगे। तो 10 मई से लेकर 3 जून तक का पीरियड बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिएगा बुध से। फिर इसके बाद ये 13 मई को अस्त होने वाले हैं और 30 मई को उदित होने वाले हैं। तो लगभग 17 दिन का ये पीरियड ऐसा आएगा जिसमें बुध की शक्तियां एकदम क्षीण हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि बुध साथ में वक्री है, 10 तारीख को वक्री हो गए और फिर अस्त भी हो गए, तो एक तो वक्री हुए और उसके बाद सूर्य की विसिनिटी में आकर जब अस्त हुए तब इनकी शक्तियां जब कमजोर हो गई तब ये थोड़ा सा चुप से बैठ जाएंगे और आपको भी तब बहुत सारे कामों को धीमे धीमे गति से करना पड़ेगा। अब इनकी अच्छी स्थिति इसके बाद 30 मई को आएगी और ये उदित हो जाएंगे। चलिए ये भी जान ले हम कि ये किस किस नक्षत्र में अपना पावर दिखा सकते हैं और किस नक्षत्र में ये फिर से छोटा बच्चा बन जाएंगे और राजकुमार बुध जो है अपना राजत्व भूल कर फिर जो वल्नरेबल चाइल्ड हो जाएंगे। 24 अप्रैल को ये सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में ही रहेंगे। सूर्य के नक्षत्र में तो राजा होते हैं, इनकी कॉलर टाइट होती है। उसके बाद में ये 6 मई को चंद्र के नक्षत्र में चली जाएंगे। अब चंद्र इनका परम शत्रु है, तो बुध जो है जिसके साथ बैठता है, जिसके साथ नक्षत्र में रहता है, उसका असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू कर देता है। बुध एक ऐसा घर है जिस भाव में बैठे, जिसके साथ बैठे, इस पर किसी की दृष्टि हो तो उस पर उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। अब 6 मई को जब ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, इसके बाद ये
14 मई को वक्री स्थिति में सूर्य के नक्षत्र कृतिका में फिर से प्रवेश करने वाले हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन ये स्थिति आपको एक महीने के लिए फिर से अच्छी मिलने वाली है, 14 मई से लेके 18 जून तक। 18 जून को फिर ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और उसके बाद ये 28 जून को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। तो आपके लिए कुछ कुछ ऐसे बीच में दिन आते रहेंगे जहां पर बुध जो है वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हुए भी अपना काम करेंगे, क्योंकि मित्र की राशि में है और मित्र की राशि में अपना जलवा ये दिखा सकते हैं। मित्र है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने के लिए। एक कमजोर बच्चा किसी मजबूत इरादे के व्यक्ति के घर गया है, दैत्याचारी शुक्र के घर में, वो उसका मित्र है वहां पर। वो छोटा सा है, उसका दिल छोटा सा है, वो बदल जाता है उसके साथ रह के। तो उसी तरह वो जो मजबूत आदमी है वो उसका पूर्ण सपोर्ट कर देगा, नक्षत्र भी उसका पूर्ण सपोर्ट कर देगा। अब हम बात करें दृष्टियां देखने के लिए बुध की, तो बुध की एक ही दृष्टि मानी जाती है सप्तम दृष्टि, और यहाँ पर बुध की दृष्टि कोई फायदा नहीं दे रही, लेकिन हर एक भाव को बुध यहाँ फायदा दे रहा है, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पर है, और वृश्चिक राशि पर वैसे तो गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए वृश्चिक राशि को यहाँ पर गुरु की दृष्टि से काफी फायदा होने वाला है। और बुध जो है वक्री मार्गी होते रहेंगे, तो इसकी दृष्टि कोई खास मायने नहीं रखती, फिर भी आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को बुध का उपाय करना है, मतलब मैं आपको आज राशियां ही बता देती हूँ कि किन किन लोगों को बुध का उपाय करने से ज्यादा फायदा होगा। फायदा तो हो ही रहा है, उपाय करेंगे तो और फायदा होगा। वो है वृष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, और इसके साथ साथ मकर और कुंभ राशि। ये राशि वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बुध का उपाय देख लीजिए, बुध के उपाय से आपको बहुत फायदा होगा। चलिए हम ये जाने के बुध आपके लिए कहाँ कहाँ के कारक, जैसे मैंने आपको बताया था कामकाज के लिए, वैसे बता दूं बॉडी में आपकी पूर्ण त्वचा का कारक होता है बुध। बुध बिगड़ जाए तो त्वचा खराब हो जाती है। आपकी बुद्धि का कारक होता है, तो उसको इतना भी कमजोर मत समझिए। अपनी दशा अंतर दशा में बुध बहुत बुरा भी असर दे देता है दिमाग के लिए, अगर बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो, या बुध आपके लिए कारक ना हो तो। और किडनी का कारक है बुध जो है, फेफड़ों का कारक है, नाक कान और गले का कारक है बुध, तो इनकी भी आपको परेशानियां हो सकती हैं। और हाथों का कारक है बुध, तो देखिए वो देखने में तो बहुत छोटा सा बच्चा है वो, लेकिन ये युवराज बुध जो है ये इसका आधे शरीर पे तो आधिपत्य हो गया, तो ये आपने जाना। आप जानते हैं हम कि वृष राशि क्या है, चर्चा थोड़ी लंबी है लेकिन फटाफट समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ, एग्जैक्टली समझ लीजिए कि बुध क्या असर देने वाला है। अब वृष राशि जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव की राशि है, और द्वितीय भाव की राशि होने के कारण इसके काम क्या है, बोलना, चालना, पैसे कमाना, संचित धन करना, परिवार को खुशी देना, गले से रिलेटेड काम करना, हर प्रकार से भौतिकवादी वृष राशि, हर प्रकार से मायावादी वृष राशि, जो सिर्फ अपने क्या कहते हैं खुशियों का ही सोचती है, जो कोई अपना शुक्र की राशि है अपनी एंजॉयमेंट का सोचती है, और वहां पर जो मित्र व्यवसायी बुध वहां आकर बैठ गया, तो फिर क्या होगा, बुध सोचेगा कि इस घर को कैसे बढ़ा दिया जाए। तो बुध और दो मित्र मिलके फिर पैसा संचित करने की कोशिश करेंगे, फिर गले से रिलेटेड काम करने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि परिवार में खुशी रहे, फिर कोशिश करेंगे कि इनके उस भाव से रिलेटेड जितने भी माल मत्ता जो भी काम है वो सब काम सुधर जाए। यहाँ पर भौतिकवादी व्यवसाय करेंगे बुध, लेकिन हर लग्न के लिए ये अलग अलग असर दिखाएंगे, वो मैं अब चर्चा शुरू करती हूँ मेष से लेके मीन लग्न के लिए। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध का वृष में स्थानांतरण बहुत ही शुभ है। संचित धन बढ़ेगा, परिवार में खुशी छाएगी, बोलने चलने के काम से बहुत ज्यादा व्यवसाय में फायदा होगा, पैसा आएगा, और आपके लोन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, यात्राओं में बहुत ज्यादा सुख मिल सकता है, खर्चे हो सकते हैं अपने शुभ यात्रा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, खर्चे हो सकते हैं। परिवार वाले खूब सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहन सपोर्ट करेंगे, मामा पक्ष से सपोर्ट रहेगा। तो मेष राशि वालों आपके लिए भी बहुत अच्छा समय आया बुध के कारण। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब तो लग्न में बुध आ गए, व्यवसाय बना दिया, आपको दिमाग खोल दिया कि चलो पैसे बनाओ, काम करो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो और आगे बढ़ो। आप पैसा कमाने, धन संचित करने के लिए, परिवार के सुख सुविधा के लिए
खर्चा करेंगे, अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए, अपने अध्ययन पढ़ाई और अपनी मित्रता के लिए खर्चा करेंगे, खुशी के लिए खर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी समझ लें आप कि आप अपनी पर्सनालिटी पे भी कई बार खर्चा होता है, जो कि जैसे जिम किया, फोटो सेशन किया, या व्यवसाय के लिए कुछ अपनी आकर्षण बढ़ाने के लिए किया, तो वो भी आपका एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो आप करेंगे। उससे फायदा भी होगा, आपको पैसा भी आएगा, खूब पैसा आएगा। मिथुन राशि, आपके तो लग्न के स्वामी हैं, तो जाकर जब बैठेंगे वृष राशि में तो प्रेम संबंधों में साथ में व्यवसाय करने की कोशिश करेंगे आप, विदेश रिलेटेड काम आपके बढ़ जाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि घर परिवार में रेनोवेशन हो जाए। अगर आप विदेश में रहते हैं तो बड़ी रेनोवेशन कराएंगे, नहीं तो यहाँ पर आपकी माँ की सपोर्ट से आप वाहन ले सकते हैं, आप घर परिवार में रेनोवेट करा सकते हैं, आपके हेल्पर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके प्रेमी शामिल हो उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी, और अब आपके अच्छे दिन आ गए। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए बुध की ये स्थिति है कि बुध पैसा लाते हैं आपके लिए, विदेश रिलेटेड कामों से फायदा होता है और उन्हीं पर खर्चा भी हो जाता है, लेकिन आपका पराक्रम उत्साह इतना बढ़ा हुआ है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध इतने अच्छे हैं कि धन संचित करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आपकी माता की तबीयत ठीक होने के संदेश से, क्योंकि अब वो व्यावसायिक रूप से सोचेंगी, आप उनके साथ भी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। साथ में याद रखें आपके ताया चाचा और आपके केसेस और विवाद, इन सब में आपका फायदा होने वाला है, और आपको कुछ न कुछ ऐसा लाभ हो जाएगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इसलिए अब आपके बहुत अच्छे दिन हैं और आपको बुध के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। सिंह राशि, अब बुध आपके दशम भाव में आके बैठेगा तो सूझेगा व्यवसाय धन कमाने की चिंता, और ये धन आएगा भी, जितना आएगा उतना खर्चा भी होगा। याद रखें कि बुध जो है वो संचित भी करने की सोचेंगे धन को, और बीच बीच में ऐसा करेंगे कि आपके परिवार पर भी खर्चा कराएंगे, बीच बीच में अपना काम बढ़ाने के लिए भी खर्चा कराएंगे। बुध जब वक्री हो जाएंगे तो पिछले घर की भी सोचेंगे, यानी कि आपको भाग्य बढ़ाने की चिंता है। वाणी से रिलेटेड, आपके बोलने चालने से रिलेटेड कोई सिंगर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, जिनके बोलने चालने से रिलेटेड काम होते हैं, उनका काम बढ़ेगा, उनके पैसे बढ़ेंगे, गले से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी। कन्या राशि, आपके भाग्य भाव में बैठे बुध और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपके काम पर आप खर्चा करेंगे, व्यवसाय में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी पर्सनालिटी में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन के लिए जो भी खर्चे लगते हैं करेंगे आप, और अपनी पर्सनालिटी को उजागर करेंगे, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपकी खेती बढ़ सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आर्ट समाहित है, लेखन है, अध्ययन है, पढ़ाई है, ऊंचे औहदे हैं, इन सब में आपको खूब सारा फायदा होने जा रहा है। और अगर कोई मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा, भले आप पोस्ट प्रोडक्शन करते हो या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, तो उसमें भी आपको ढेर सारा फायदा होने जा रहा है। तुला राशि, आपके लिए अभी अष्टम भाव में बैठने वाले हैं बुध, तो अष्टम भाव में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि और मंगल दोनों इस भाव के कारक होते हैं। यहाँ पर बुध इतना ज्यादा तो नहीं कंफर्टेबल, लेकिन बुरे भी नहीं कहा जा सकता, तो ये व्यवसाय बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे फिर भी, और खर्चा इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए पैसा, इसका ध्यान रखें। विदेश रिलेटेड कामों में भी अभी इन्वेस्ट ना करें, आपके जो खर्चे हो रहे हैं उसकी चिंता है आपको, और प्रेम संबंधों में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। अगर आप व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट चाहें तो वो भी आपको मिल सकता है, भाग्योदकारी संदेश से फिर भी आते रहेंगे, जो भी काम मिले वो करना है, कोई भी काम हाथ से छोड़ना नहीं। वृश्चिक राशि, अब देखिए आपके बुध जाकर सप्तम भाव में बैठने वाले हैं, तो सप्तम भाव किसका होता है, अपनी पत्नी, व्यवसाय, आपकी जितनी नीतियां जिसमें आपका नाम उजागर हो जाए, नाम ऊंचा हो जाए, तो व्यवसाय के कारण आपका नाम ऊंचा होगा, पैसों के कारण होगा, कोर्ट केसेस, विवाद वगैरह इसमें फायदा होगा, ताया चाचा वगैरह लोगों से, पिता समान लोगों से फायदा होगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना व्यवसाय बढ़ाने की सोचें, अब आप धन की ओर ज्यादा चिंता करेंगे कि पैसे जितने हमने लगाए थे उतने रिकवर हो जाए, तो एक अच्छी स्थिति है, और इसमें आपकी नेकनामी भी होगी कि आप व्यवसाय बहुत अच्छा करते हैं। धनुराशि, आपके सप्तम भाव दशम भाव के स्वामी बुध जो हैं, षष्ठ भाव में बैठे हैं। अब सब लोग कहते हैं कि षष्ठ भाव में
ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन बुध जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार षष्ठ भाव में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध आपको फायदा देने जा रहे हैं, आपका व्यवसाय बढ़ाएंगे। भले ही आपको ये समझदारी से रहना है कि व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, जीवन के पार्टनर और व्यवसायिक पार्टनर दोनों के साथ बना के रखनी है, अनबन नहीं करनी है। आप अगर प्यार से रहेंगे तो वो लोग आपको फायदा भी देंगे, काम भी बढ़ाएंगे, पिता से भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी, खेतीहर लोग या ऐसे नौकरी पेशा लोग या बोलने चलने वाले लोग, इन सबको फायदा होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ काम मिलेगा जो आगे चल के बड़ा फायदा देगा। तो चलिए काम बढ़ाते हैं। शादी के योग अभी तो नहीं बने हुए पूरे, लेकिन फिर भी अगर कोई पसंद आता है तो उसको चेक के रखिए, आगे चल के उससे शादी हो सकती है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके षष्ठ भाव का स्वामी, आपके भाग्य भाव का स्वामी जाके पंचम में बैठेगा। तो बस बुद्धि लड़ना शुरू कि कैसे व्यवसाय, कला से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे बढ़ाया जाए। आपकी बुद्धिमानी काम आएगी, आपके बच्चों की बुद्धिमानी काम आएगी, आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे हो सकते हैं, आपके भाग्य के कारण आपको कुछ ना कुछ अच्छे काम ऑफर हो सकते हैं, जो बिल्कुल भी मना नहीं करना है, लेते जाना है। काम आगे चल के भी बनेंगे, कुछ ऐसे काम जिनमें यात्राएं शामिल हो और यात्राओं में आनंद भी मिले तो वो भी मिलेंगे। और आपके बच्चे भी बहुत व्यावसायिक रूप से आपका सपोर्ट करेंगे, और उनका भी दिमाग चलेगा कि कैसे पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए, और आपका भी खूब दिमाग चलेगा, मित्र से भी सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव के आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए अब बैठे हैं चतुर्थ में। चतुर्थ में बुध बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, फिर भी अपनी मित्र राशि में है तो नुकसान तो देने से रहे, और ये आपको खूब सारा फायदा देने जा रहे हैं। मित्रता के कारण खूब सारा खर्चा भी हो सकता है, बच्चों के कारण, उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर परिवार में हेल्पर्स जो हैं आपका खूब सपोर्ट कर दें। आप ले सकते हैं कार वाहन, इन सब से भी आपको फायदा होगा। ये भी हो सकता है कि आप तबीयत सुधारने की अब सोचें, तो सोच लिया तो काम हो गया आधा, बाकी आधा काम आप करिए अपनी मानसिक और शारीरिक हेल्थ सुधारने के लिए। आप बुध के उपाय देख सकते हैं, और बुध के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसको गौर कीजिएगा, जिससे आपको फायदा होगा और आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे। मीन राशि, आपके तृतीय भाव में बुध आकर बैठे, आपके चतुर्थ और आपके सप्तम, तो टोटल घर का मामला है। तो इसमें आपके विवाहित जीवन के साथी और आपके माता दोनों से सपोर्ट, घर वाहन इन सब में प्रॉपर्टी लेना, इन सब के कागजात बनाना, बुद्धिमानी से आगे बढ़ना, व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट, आपकी माँ का सपोर्ट और आपकी विवाहित जीवन के पार्टनर का सपोर्ट, इन सब से आपका प्रॉपर्टी वगैरह खड़ी हो सकती है, आपके घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी हो सकती है क्योंकि आप व्यवसाय अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आपकी यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती हैं जिनमें आपका व्यवसाय बढ़ जाए। इसमें आपका पराक्रम, उत्साह भी बढ़ेगा, और साथ साथ आपको आपके मित्र, छोटे भाई बहन खूब सहयोग देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि बहुत सारे लोग सहयोग दे रहे हैं और आपका काम बन रहा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर बुध के प्रभाव क्या पड़ेंगे वृषभ राशि में आने से, किन किन भावों के स्वामी है डिपेंड करेगा। वैसे वैसे आपको चर्चा की मैंने, आपको समझाया कि कैसे कैसे प्रभाव देगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।